भजन भी नहीं करते। कितना आदमी लोग है, बहुत सरल है, ये डिवाइन क्वालिटीज है, अपने को अंतर में इतना बड़ा नहीं मानते हैं, सबको सम्मान देते लेकिन भजन भी नहीं करते ना। कितना आदमी बहुत सरल आदमी है, दूसरे लोग क्या करते हैं, उनको ना तो क्रिटिसाइज करते हैं ना उनका पीछे पड़ते हैं, खुद का काम कर लेते हैं, वो सरल आदमी होते हैं लेकिन भजन भी नहीं करते। इसको ये जो गुण है ना, इसको प्राकृत गुण बोलते हैं। दैन्यता है लेकिन ये प्राकृत है, लेकिन बाहर दुनिया में जीने के लिए ये भी चाहिए। स्पेशली जो परिवार जीवन में जीना चाहते हैं ना, उन लोग के लिए तो ये प्राकृत गुण भी चाहिए। आजकल एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया, हमारा हालचाल ऐसा हो गया दुनिया में, ये प्राकृत गुण नहीं है, इसलिए स्ट्रगलिंग कर रहे हैं सब लोग। जिसका अंतर में अहंकार है, ये दैन्य का एक विपरीत भावना है दंभ। कलिजुग में जहां भी प्रॉब्लम है उसका कारण ढूंढ लीजिए, दंभ है, दंभिकता। हिंदी में क्या बोलते हैं, दंभी बोलते हैं ना, दंभिक बोलते हैं, आसुरी गुण है, भक्त गुण नहीं है। देख लीजिए क्या होता है, दैन्य से हम भीतर आ गए, ठाकुर जी का भजन अभी कर रहे हैं, है तो हमारा हम्बलनेस, जो अपने को इतना बड़ा मानते हो, ठाकुर जी के पास क्यों आएंगे, थोड़ा भी हमारे पास कोई दैन्य भाव आया ना, इसीलिए तो ठाकुर जी के पास आए, मेरा कोई कमी है ठाकुर जी आप बड़े यार। प्राकृत दैन्य लेकर हम आए हैं, लेकिन अगर ये गुरु और वैष्णव से हम कृपा प्राप्त नहीं करेंगे या अप्राकृत दैन्य प्राप्त नहीं करेंगे, तो जो प्राकृत दैन्य है ना, ये दंभ हो जाता है। क्योंकि हम जब भी डिवोटी बन जाते हैं ना, भक्त बन जाते हैं ना, तो सम्मान मिलता है। लोग भगवान को प्रभु नहीं बोलते हैं, लेकिन हम तिलक लगा लेते हमको लोग प्रभु बोलते हैं। देखो लोग कितना सम्मान देते हैं, ये तो हमको सम्मान नहीं देते, हम किसी की वजह से हमको सम्मान देते, ये भगवान की पुजारी है, भगवान की पूजा करते हैं इसके लिए हमको सम्मान देते हैं, तो हम तो भगवान को भूल जाते हैं, ये पूजा हम ले जाते हैं। इस अप्राकृत दैन्य अगर हम प्राप्त नहीं करेंगे, जो प्राकृत दैन्य की वजह से हम भीतर आए हैं, भक्ति योग में आए हैं, फिर ये भी चला जाएगा हमारे हाथ से, ये दंभ हो जाता है, फिर निकलना पड़ता है, भक्ति योग को छोड़कर जाना पड़ता है। देख लीजिए जो भी भक्ति योग छोड़े हैं, चाहे ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी भक्त हो, आज भक्ति योग को छोड़ रहे हैं, इसका मतलब यही है, ये अप्राकृत दैन्य जो है गुरु वैष्णव की कृपा से मिलता है, उसको प्राप्त अभी करने में असमर्थ हो गया, इसलिए दंभ भाव आ गया। जब दाम्भिक भाव आता है ना, उस समय आप हृदय में किसको भी बड़ा नहीं मानते, ठाकुर जी को भी बड़ा नहीं मानते, ऐसा दृष्टि हो जाता है। शरणागति में ये एक अंग है, तो हमारे आचार्य लोग ने हम लोग को सिखाए हैं कैसे प्राप्त करना है। देखिए ये तो शरणागति का अंग है ना, तो सीखना है, तो जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, कोई गरीब आदमी के पास जाऊंगा तो पैसा मुझे मिलेगा, मुझे कोई धनी आदमी के पास जाना है, मुझे हम लोग को शरणागति सीखना है, तो किसी से सीखना है, जो शरणागत आत्मा है। शरणागति देख लीजिए, ये मेरा मत नहीं है, वो पद में है, शायद आपको मिलने का आपको थोड़ा कष्ट होगा। रूप सनातन पदे दंते त्रिणाधरी भक्ति विनोद बोले दुई कर जो भजन में है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करे। इतना बोलने का बाद भक्त विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि देखो भाई, कि तो षडांग शरणागति जो है आप बोल दिए हैं, दैन्य है, आत्मनिवेदन है, लेकिन मुझे मिलेगा कैसा, कैसे मैं प्राप्त करूंगा। रूप सनातन पदे दंते त्रिणाधरी, रूप सनातन से मुझे सीखना है, आचार्य गुरुवर्ग से हमको शरणागत सीखना। भजन का जो प्राण है ना, महामंत्र कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, इसका पीछे जो असली चीज है ना, शरणागति का जो भाव, शरणागति का जो अंग है, एक एक अंग है,
सीखने के लिए हमको शरणागत आत्मा चाहिए, दैन्य। दैन्य किससे सीखना चाहिए? गुरुवर्ग से। नहीं, ये तो नहीं, छोड़ दीजिए आप, चिंता मत कीजिए। उसका तरीका है। भक्ति विनोदो बोले दुई कर जोड़ी। देखिए जी, शास्त्र में जैसे हम कोई भी संप्रदाय देख लीजिए, उनका उनके लिए गुरु जरूरत है ना, गुरु जी को प्रार्थना करते हैं। हम भी गुरु जी, हमारा भी गुरु जी है। गुरु जी क्या सीखते हैं, हम क्या सिखा लेते हैं? ज्ञान, वैराग्य। ये हमारे संप्रदाय में हम ज्ञान के लिए गुरु ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ज्ञान तो शास्त्र में है। वैराग्य, वैराग्य तो पिछला जन्म में आपका अगर ज्ञानोन्मुखी सुकृति है ना, तो वैराग्य आ जाएगा। इसका कोई, इसके लिए गुरु का कोई जरूरत नहीं। तो ये भगवान के चरण कमल में, भगवान के चरण कमल में कैसे शरण जाना चाहिए, इसको सीखने के लिए हमको स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, वैराग्य बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शरणागत नहीं हो सकते। अपने को छोटापन में बहुत डिग्रेडेड पर्सन, हमारा टीचिंग में कल ये बोल रहा था ना, इधर जो आ जाता है ना, उनको एक चीज सीखना है, संसार में सब लोग अच्छे लोग हैं, मैं ही गंदा लोग, मैं ही सबसे फलेन पर्सन, गंदा आदमी, ये हमारा टीचिंग्स। ये तो कभी नहीं होता है। गुरुजी से जो सीख लेते हैं वो बड़ा हो जाता है। देख लीजिए, आप टीचर से एजुकेशन लिए हैं ना, अभी आप एजुकेटेड पर्सन हो गए, बड़े हो गए। लेकिन हम लोग टीचर से सीखा लेते हैं, छोटे होते हैं, तब तो हमारा परफेक्ट टीचिंग, हम परफेक्ट स्टूडेंट बने। हमारा एडवांस मतलब यही, हमारा जो एजुकेशन है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, भक्ति युग में हमारा एडवांस क्या है, बोलते नहीं बड़ा भक्त है। कितना बड़ा भक्त है? बड़ा भक्त का मतलब है उनका पास ज्ञान बढ़ेगा, उसको छोड़ दीजिए। बड़ा भक्त यही होता है कि उस संसार में सबको बड़ा दृष्टि से देखता है और खुद को छोटा मानता है। और इसमें जितना आचार्य लोग लिखे ना, सबसे हमारा आचार्य श्रेष्ठ है। देख लीजिए शिष्य में, रेफरेंस दे देता हूँ, शिष्य में चैतन्य चरितमृत आदि लीला 5th chapter 205-206, इसे कोई नहीं लिखे हैं, कोई नहीं लिखे जैसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बोले। जगाई मधाई है ते मुई से पपिष्ट, पुरी से रकीट है ते मुई से लगिष्ट। देख लीजिए ट्रांसलेशन, ऊपर उठा दीजिए। आई एम मोर सेल्फ जगाई एंड मधाई एंड इवन लोअर देन द वार्म इन दिस स्टूल। मल में जो कीड़ा है ना, वो तो कितना उपकार कर रहे हैं, मल में कीड़ा उपकार नहीं कर रहा है, इसको खा जाते हैं ना, ये दुर्गंध आता है, जो बदबू आता है उसको वो तो मिटा देता है, वो मिट्टी जैसा बना। आप देख लीजिए ना, टंकी सफा करते हैं ना, नहीं हम लोग करते हैं, अरे ब्रह्मचर्य लोग हैं ना, हम सब कुछ करते हैं, हमारा स्वीपर का कोई जरूरत नहीं। तो उसको कौन उसको न्यूट्रलाइज करता है, मल को? तो कितना उपकार कर रहे हैं, देखो बाहर में जो मल त्याग कर देते हैं, देखो कीड़ा खा जाता है, ये तो दुनिया को उपकार कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं? जिनको गोविंद ने आदेश दिया था चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ लिखने के लिए, साक्षात गोविंद का दर्शन किए, लेकिन वो लिख रहे हैं द वार इन दिस टूल। अरे इसे इतना नहीं लिखे, इसका पीछे देख लीजिए ना, मोर नाम सुने जई तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय जई तार पाप है, anyone who hear my name lose the result of his pious activities। मेरा नाम मत सुनिए, वो लिख रहे हैं, मेरा नाम मत सुनिए, नाम मत बोलिए, तुम्हारा जो पुण्य है ना वो क्यों हो जाए। हमारा कुछ समय जो जैसे हैं संसार, इसलिए हमारा संप्रदाय में जो शिक्षा जिनको पता है ना, वो कभी दिल में किसको बैठा नहीं सकता है, हमारा आचार्य लोग ही बैठे। जैसे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, वो दोनों इस जगत में नहीं थे, लेकिन जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने शुरू किए चैतन्य चरितमृत लिखने के लिए, उस स्वप्न में आए,
कि उनको पता है इस चैतन्य महाप्रभु जितना पार्षद लोग है ना सबका नाम लिखेंगे, सबका स्टोरी लिखेंगे। और दोनों आए बोलने लगे, कृष्णदास जो भी लिखना है लिखो, लेकिन हम दोनों का बावजूद में कुछ भी नहीं लिखना है। वो नहीं थे इस जगत में, समझ रहे हैं ना। गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट नहीं थे, लोकनाथ गोस्वामी नहीं थे, फिर वो आकर बोले कृष्णदास के ब्रज गोस्वामी हमारे संबंध में कुछ नहीं लिखना। इसलिए वो लिखे हैं चैतन्य चरिता, सिर्फ मैं नाम लिखता हूँ, वो मुझे निषेध किए। जो इस संसार में नहीं है वो भी नहीं चाहते कि संसारी आदमी मुझे पसंद करे, मुझे सम्मान दे, मुझे प्रणाम करे। ये भाव हमारा गौड़ीय भाव है, कहाँ मिलेगा संसार में। हम लोग राजा हैं, चक्रवर्ती हैं। अरे ब्रज में जितना जितना आज प्रकट हुआ है, एछय गोसाई जबे ब्रजे कैले नवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करी लेन प्रकाश। ब्रज का जो लीला है, गोलक वृंदावन का लीला हमारे गोस्वामी लोग ने प्रकट किया। और हमारे गोस्वामी लोग कैसे थे? एनीवन हु हियर माय नेम लूज द रिजल्ट ऑफ पाइस एक्टिविटीज एंड एनीवन हु अटर माय नेम बिकम सिंपल, पापी हो जाएंगे। मेरा नाम मत लीजिए। अरे देख लीजिए, अगर आपको नाम नहीं लिखना है तो आप चैतन्य चरितामृत लिख देना चाहिए। इसमें क्यों लिखे कि राइटर कृष्णदास कविराज, कृष्णदास कविराज? आप क्यों लिखे अभी बोल रहे हैं? चलिए चैतन्य चरितामृत अंत लीला देख लीजिए। हमारे भाव इसको अप्राकृत दैन्य बोलते हैं। ये चाहिए जीने के लिए, प्रेम के लिए, दैन्य ही प्रेम हो जाता है। सीसी अंत लीला 96 to 100 लगा लीजिए। वो बोल रहे हैं कि मैंने नहीं लिखा हूं, मेरा मैं तो आमी वृद्ध, ये एक पद है, मैं बोल देता हूँ, ये मेरा फेवरेट पद है। आमी वृद्ध चरा तुरा लिखित काम पे करो, मने किछु ना है स्मरण, ना देखियो नयने, ना सुनियो श्रवणे, तब लिखिए बड़ा विस्मय। ये पद है, इसको ये पद पहले निकालिए। जो राइटर लिख रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है आपको पता है? कितना उम्र में लिखे हैं? ना देखी वो नयने, नयने ना सुनी वो श्रवणे, तबू लिखी, ये बड़ा विस्मय, ये आश्चर्य की बात है। मैं जब चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आँख में दिखने के लिए मेरा समर्थ नहीं, और कान में सुनने के लिए ना देखी वो नयने ना सुनी वो श्रवणे। यस, ये देखिए, आमी वृद्ध चरा तुर लिखिते कंपय कर, मने किछु ना है स्मरण, मने किछु स्मरण ना है, ना देखियो नयने ना सुनियो श्रवणे, तब लिखिए बड़ा विस्मय। ट्रांसलेशन देख लीजिए। I have now become too old and disturbed by invalidity. When I write, my hand is trembling and I cannot remember anything. Nor can I see or hear properly. Still I write and this is the great wonder. मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा हाथ ऐसा कांप रहा है, मन में कुछ स्मरण नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ये बड़ा आश्चर्य, कौन लिख रहा है? तो कितना विनम्र भाव है। कौन लिख रहा है? वही सीसी 2096 100। अरे इसमें क्या लिखे हैं देख लीजिए। सीसी अंतलीला 20 चैप्टर, यस 96। श्री गोविंद चैतन्य श्री नित्यानंद, यस श्री रघुनाथ दास श्री, इसका ऊपर साध है। अच्छा हाँ, श्री अद्वैत श्री भक्त और श्री श्रोता वृंद, श्री स्वरूप श्री रूप श्री सनातन, श्री रघुनाथ दास श्री गुरु श्री जीव चरण, यहाँ सवार चरण कृपा लिखाए अमार, आर एक है त्यो अति कृपा का। मेरे तो लिखने का कोई ताकत नहीं था, ये लोग का चरण का कृपा मुझे लिखा रहे, क्योंकि मैं तो वृद्ध हूँ। कोई भी राइटर संसार में से नहीं लिखे, इसीलिए आचार्य लोग ने, जितना हमारे आचार्य ने उनको कविराज उपाधि दी। उनका नाम था क्या? कृष्णदास। उनका भाव कविराज, जितना कवि लोग लिखे हैं ना उनका भाव इतना सुंदर भाव है। और सबसे आश्चर्य आर एक
और एक कृपा का चीज है, मैं बोल रहा हूँ। इसका नेक्स्ट वर्ड्स बहुत सुंदर है वर्ड्स। यस, श्री मदन गोपाल, ये मंदिर का नाम है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर ठाकुर है। मैं जो गोपी लोग को देखता हूँ ना, गोपी लोग को कैसे लगता है बोल दीजिए, ऐसे गोपी बन जाएंगे तो गोलक में झाड़ू देंगे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रूप कौन सा काम में आएगा, ऐसे गोपी बनेगी बस कृष्ण आपका पास ही आ जाएंगे। मदन गोपाल, श्री मदन गोपाल मुरे लिखाय आज्ञा करी, कहीते ना जो जाए तब रहते ना पारी। मेरा इच्छा नहीं है बोलने के लिए, कि राइटर अगर नहीं लिखेंगे ना तो लोग पूछेंगे ना, तो बोल रहे हैं। उसका ट्रांसलेशन देख लीजिए कितना सुंदर से लिखे, श्री मदन गोपाल द डेटी ऑफ वृंदावन हैज गिवन ऑर्डर, हैज गिविंग गिवन द ऑर्डर दैट दैट इज मेकिंग मी राइट, ऑल्दो दिस शुड नॉट बी डिस्क्लोज बट आई डिस्क्लोज इट बिकॉज आई एम अनएबल टू रिमेन साइलेंट। देखो कैसे कैसे अंतर में उनका यंत्रणा हो रहा है, पेन। अगर बोल दूंगा कि मदन गोपाल मुझे बोले हैं लिखने के लिए, तो लोग बोलेंगे कितना बड़ा भक्त है। अगर नहीं बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कृष्णदास कवरेज गोस्वामी लिखे, तो बोलने से मरूंगा नहीं बोलने से मरूंगा, मुझे इतना यंत्रणा हो रहा है। मुझे मदन गोपाल ने बोले लिखने के लिए, अगर ये बोलने के लिए मेरा इच्छा नहीं है, बोल दूंगा तो लोग बोलेंगे कितना बड़ा भक्त है, अगर नहीं बोलूंगा तो क्रेडिट मेरा ऊपर आ जाएगा। ना कहिले हय मोर कृतज्ञता दोष, दंभ करी बोली श्रोता ना करी रोष। मैं आपका चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ, सभी का चरण कमल में, मेरा पर गुस्सा मत हुई, क्योंकि मैं बोल दिया हूँ ना, आप सोचेंगे दंभ भाव से बोल रहे हैं। अगर नहीं बोलूंगा तो ये कृतज्ञता दोष लग जाता है। ठाकुर जी बोले हैं उनको लिखने के लिए, ये नहीं बोल रहे, ये अप्राकृत दैन्य बोलते। एक अंतर में ये उतरना चाहिए, तब तो प्रेम क्या है तब पता चलेगा, तो वो कैसे मिलेगा। इसलिए हम पहले गुरुपाद आश्रय, जब गुरु जी का चरण कमल, आचार्यों के चरण कमल में आश्रय करते ना, ये पूरा गुरु परंपरा को हम सम्मान देते हैं। गुरु जी के माध्यम से कभी कभी भक्त लोग, देखो मैं तो बोलता हूँ भाई, आप लोग बुरा मत मानिए, कभी गुरु संबंध में बोलते ना लोग थोड़ा, इतना गुरु संबंध में क्या जरूरत है, नहीं नहीं ऐसा पुजारी का जरूरत है, नहीं तो ठाकुर जी का पूजा नहीं हो सकता है, आप पूजा नहीं कर सकते। जैसे कालाराम मंदिर हम गए थे ना, हम चाहे कितना बड़ा भक्त हो, पुजारी का जरूरत है कि नहीं, नहीं तो हमारा पूजा ठाकुर जी के पास नहीं पहुंच सकता है। अरे पुजारी का क्या काम है, हम लोग का पूजा को ठाकुर जी को देते हैं, गुरु का यही काम है। ये बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, हम गुरु को पूजा करते हैं लेकिन गुरु ये पूजा को स्वीकार नहीं करते, हमारे पूजा को ठाकुर जी को देते हैं, ये पुजारी है, तो पुजारी बिना पूजा कैसे चलेगा, हम तो पूजा नहीं कर सकते, ये जरूरत है ना। इसलिए गुरुपादाश्रय जब हम करते हैं ना, तो गुरु जी के माध्यम से संपूर्ण आचार्य लोग को हम आश्रय करते हैं। श्री गुरु वैष्णव देख लीजिए, हरि गुरु वैष्णव, गुरु से वैष्णव हर समय अलग करके रखे हैं आचार्य लोग। और बहुवचन में कभी गुरु लगता है ना, इसका मतलब हम जब गुरु जी का स्वीकार करते हैं तो इसका मतलब सभी आचार्य लोग को हम स्वीकार किए, उनका पथ पर हम आ गए, उनका दृष्टि पथ पर, कृपा पथ, कृपा दृष्टि पर हम आ गए। तो हमारा जब यही है, अभी हमारा यही कार्य है, कैसे उन लोग को प्रसन्न करना। गुरु जी से जो कृपा मिलता है ना, इसका मतलब पूरा परंपरा आचार्य से वो कृपा है, तो कनेक्टेड है। अब रेलवे, रेलवे में क्या रेल बोलते हैं ना, रेल डिब्बी देखे ना, उसके भीतर कनेक्शन रहता है पूरा इंजन का साथ, ऐसा वो चलता है, सिर्फ कनेक्शन चाहिए, अरे इंजन तो खींचता है, हम तो कनेक्ट होकर रहते हैं, हम इस परंपरा से हम जुड़ जाते हैं। गुरु ग्रहण का मतलब ये संपूर्ण परंपरा आचार्य शिक्षा को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी हम अनुगत्य में आ गए, तब क्या होता है, तब शरणागत होकर हम जब गुरु जी का निष्कपट भाव से सेवा करना, एक सेवा का भाव में एक कपट भाव है, एक निष्कपट, समझ रहे ना आप। कपट भाव क्या है, दुर्योधन गुरु का भी सेवा कर रहा था,
नहीं क्या है, दुर्योधन भी दुर्वासा का सेवा कर रहा था पांडव को मारने के लिए, अभिशाप देने, उनको पता है ना, प्रसन्न कर लिया और बोले कि आप यही वर दीजिए। दुर्वासा ने तो अच्छा भोजन कर लिया, बाबा जी लोग तो अच्छा भोजन कर लेते हैं, बोलते हैं हाँ प्रभु हम खुश हैं, ब्राह्मण लोग ब्राह्मण भोजन प्रिय। दुर्वासा ने प्रसन्न हो गए, अरे दुर्योधन को बोले तुमको क्या वर चाहिए, यही वर चाहिए कि आप 10,000 शिष्यों को लेकर आप जाइए, द्रौपदी भोजन करने का बाद आप इधर चले जाइए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। देखो गुरु का सेवा किया, वैष्णव का सेवा करके क्या कर रहे हैं मरने के लिए। दुर्योधन ने भी दिखा लिया ना, किससे, गुरु तत्व से गुरु तत्व का मूल जो बलराम से दिखा लिया। लेकिन देखो प्रभुपा जी बोलते हैं ना, प्रभुपा जी बंगाली में ये बोलते हैं, गुरु मारा विद्या, गुरु से विद्या लेते हैं और गुरु को मारने के लिए कोशिश हम कर रहे हैं। अभी ये विद्या आजकल ज्यादा चल रहा है, डिसाइपल लोग सब बुद्धि लाते हैं गुरु से और लास्ट पे यूज करते हैं गुरु का ऊपर। आपने ऐसे क्यों बोले, आप ऐसे क्यों बोले, प्रभुपद ने ऐसे बोले, अरे प्रभुपद क्या बोले तुमको पता था पहले, तुम गुरु बताए हैं, अभी गुरु का ऊपर विद्या लगा रहे हो, इतना चालाक हो गए, सब गुरु मारा विद्या यूज कर रहे हैं आजकल, कुछ पता नहीं था, कर्मी थे, डिवोटी बन गए, गुरु से गुरु की कृपा प्राप्त की, अभी जो विद्या प्राप्त की है ना, अभी उनका काम नहीं जम रहा है तो गुरु से लगाते हैं, ये गुरु मारा विद्या है। दुर्योधन ने वही काम किया, उनको पता था कि पांडव को मारने के लिए यही एक अस्त्र है, परास्त करने के लिए, क्योंकि ये तो गुरु तत्व है, बलराम जी का चेला मिल जाएंगे ना, बलराम तो हमको, उनका तो ज्यादा बुद्धि नहीं है, वो सरल आदमी है, वो हमको सिखा देंगे पांडव कैसे मारना है। बलराम सोच रहे थे ये तो इतना दुष्ट है, अगर ये मेरा चेला हो जाएगा तो शिष्ट हो जाएगा। बलराम का भावना तो ये साधु तो साधु होते, वो तो सरल दृष्ट देखते, भीतर का कपट भाव वो रखे उनको पता है क्या। और बलराम तो ऐसे रिझ गए, तो ऐसे बोल लो कि सुभद्रा का शादी दुर्योधन से होने के लिए पूरा प्रपोजल फिक्स कर दिए, बोले होगा ही होगा। तब कृष्ण क्या, ये कपटी है और चेला बना लिया, सोच रहे कि ये अभी शुद्ध हो गया, कपट कभी शुद्ध नहीं होते, क्योंकि गुरु का साथ जो कपट करता है ना वो कभी शुद्ध नहीं होता, सबका शुद्धकरण हो जाता है। जीवन में एक चीज को याद रखिए, हम कितना भी फोल्डर हो जाए, हम कितना भी पति थे, गुरु वैष्णव से कभी कपट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है, वो परमात्मा प्रभुपाद जी को पता है, हमारे गुरु वर्ग को पता है ना, उनसे क्या कपट करेंगे, उनको जब भी प्रार्थना करें अंतर खोल कर प्रार्थना करें, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, इसलिए निष्कपट सेवा, समझ रहे हैं ना। गुरु का कपट को एक भाव हम बोलते हैं हिंदी में, भूत बोलते हैं ना, घुष्ट भूत बन जाते हैं, भूत बोलते हैं, जैसे आज मैं देखा ना इसमें पिंड देते हैं, इसीलिए देते हैं ना, अगर वो कोई घोष्ट हो गया, कुछ हो गया, उनका उद्धार हो जाएगा। मान लीजिए जितना गया में पिंड देते हैं ना, गया तो फेमस है, प्रेतात्मा इसका उद्धार के लिए पिंड हम कहाँ देते हैं, गया में देते हैं, उसका उद्धार हो जाता है, भूत नहीं होता है। अगर गया में कोई भूत हो गया तो उसका उद्धार कहाँ होगा बताओ आप, सबका उद्धार जहाँ होता है उधर कोई भूत हो गया तो गया ना। हम लोग का हालत है, हम अब गया भूत हो गए हैं, संसार से कपट करते करते इतने दिन चला गया, अभी गुरु का पद पद पर आए उधर भी कपट चला रहे हैं, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। भजन तो चलता है, साधन तो चलता है, निष्कपट भाव से कुछ नहीं करते भाई हम, जैसे प्रभुपाद जी का हम सेवा कर रहे हैं, ये मंदिर का ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई गर्लैंड बना रही है, क्या पता नहीं है ठाकुर जी को, गुरु जी को पता नहीं है, ये कपट से कर रहे हैं, निष्कपट से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, इसी हिसाब से फल मिलता है। देखो क्या होता है, ये दैन्य कैसे आता है, अपराकृत दैन्य, निष्कपट से जब साधक शरणागत होकर अपनापन मान कर, ये मेरा गुरु का है, ये मेरा संप्रदाय आचार्य लोग का है, ये प्रभुपाद की है, निष्कपट भाव से जब सेवा करता है तब उनका अंतर में एक अयोग्य भावना आता है, एक डिवाइन क्वालिटी होता है। देखो खुद अगर ढूंढेंगे मेरा डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ है ना,
एक साइड में दिखाई देता है, एक साइड में दंभ दिखाई देता है, एक साइड में क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन दिखाई देता है, और इसमें फेडअप हो जाते हैं हम लोग, मुझसे भजन नहीं होगा, मुझसे साधन नहीं होगा, मैं तो गया हूँ। अयोग्य भावना खुद अगर ढूंढेंगे ना, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन जो हमको जो दिखाई देता है ना, इसमें हमारा पैसे भी जमा जाता है। इसलिए भक्त लोग कभी कभी छोड़कर चले जाते हैं, मुझसे भजन नहीं होगा, कि खुद ही ढूंढते हैं। नहीं, गुरु जी जब दिखा देते हैं ना, एक टीचर जब फॉल्ट दिखा देते हैं तो हमको टीचर सिर्फ फॉल्ट नहीं दिखाते हैं, टीचर उपाय भी बता देते हैं, ऐसा करना चाहिए। हम लोग क्या खुद का फॉल्ट नहीं देख सकते हैं, तो इसमें ज्यादा पैसे भी जमा जाता है। और हम भगवान की आश्रय लिए हैं ना, गुरु के आश्रय लिए है ना, तो निष्कम भाव से कोई गुरु से शरणागत हो जाता है, आचार्य से शरणागत होता है। आचार्य कृपा क्या है, पहले कृपा क्या पता है आपको? गुरु वर्ग आचार्य वर्ग की पहले कृपा है, हमारा दोष कहाँ है वो हमको दिखा देते हैं, अयोग्य भावना उदित होता है। हिंदी में अयोग्य भावना बोलते हैं ना, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्य भावना। सब कुछ चलता है, सेवा भी चलता है, प्रवचन चलता है, लेकिन भीतर मैं हर समय लगता है कि मैं डिस्क्वाल। देखो कृष्णदास कवरेज गोस्वामी जिसे बोल रहे थे, सब कुछ करने का बाद अंतर में लगता है कि मैं भगवान का भक्त नहीं बन सकूंगा। ये अप्राकृत दैन्य, ये गुरु कृपा से मिलता, ये पहले खुद का दोष जब दिखाई देता है ना, तब प्रार्थना, तब भजन शुरू होता है। वही जो भजन है वो साधु गुरु भगवान की, जब भगवान के हृदय को आकर्षण टच करता है, बोलते ना हार्ट टच। कभी कभी लोग बोलते ना, अब जो बोलना हार्ट टच, हार्ट टच का मतलब क्या होता है? यही हार्ट टच प्रेयर है। अभी तो हम प्रेयर कर रहे हैं, जब निष्कपट होकर शरणागत हो जाते हैं आचार्य के चरण कमल में, सेवा भी ऐसे करते हैं ना, वो हमको कृपा करते हैं। देखो तुम्हारा यही कमी है बेटा, तो भक्त यही कमी है। तब वो कमी देखने का बाद हमारा पेसिमिज्म नहीं आता है, प्रार्थना भाव बढ़ जाता है। यही दया है, गुरु का कृपा क्या है ये। और जितने ऊपर जाएंगे ना आप, जितना ऊपर जाएंगे, प्रेम स्तर तक जाएंगे ना, उतना दोष दिखाई देगा। जो जितना बड़ा प्रेमिक होता है ना, वो इतना छोटा हो जाता है। यही आचार्य की कृपा है, गुरु की कृपा है। तो मान लीजिए, आप सोच लीजिए हम कितना दूर से हैं, अभी गुरु जी से कितना दूर है, दीक्षा तो ले लिए हैं, कितना दूर से हम पास नहीं गए, अंतर में नहीं गए, बाहर से गुरुजी को दर्शन कर रहे हैं, भीतर प्रवेश नहीं किए। कि ये कब होता है? जब निष्कपट भाव से, कपट नहीं रखता है, जितना ताकत वो लगा लेते हैं, और भजन भी ऐसा चलता है, सेवा भी चलता है, प्रार्थना चलता है, तब गुरुजी दिखा देते हैं, बेटा तुम ऐसे ऐसे भजन करो, तभी एक प्रेयर मूड, प्रार्थना का भावना आता है। और इसमें क्या आपको दिखाई देता है? एक चीज दिखाई देता है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा बोल तो मेरा गुरु है। मेरा कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है। देखो आप कभी देखे हैं प्रभुपाद जी कब, जब गुरु आचार्य, मैं पढ़ा था प्रभुपाद जी के लीलामृत में, प्रभुपाद के शिष्य लोग कभी नहीं देखे थे कि प्रभुपाद जी इतना सीरियस, क्योंकि प्रभुपाद विदेश से आ रहे भारत। और दो पिक्चर थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का और भक्ति विनोद ठाकुर, दोनों का पिक्चर थे। और प्रभुपाद जब आते थे तो प्रणाम करते थे, एक स्पेशल प्रेयर करके आते थे। तो ये विदेशी लोग तो बहुत स्क्रूटिनाइज सब स्टडी करते हैं, तो देखे प्रभुपाद जी ठाकुर जी को प्रणाम किए हैं तो देखे हैं, लेकिन आचार्य को इसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी जब वो लोग तो बहुत कुछ भी डाउट आता ना, क्लियर इमिडिएटली उनको चाहिए, तो बोलने लगे प्रभुपाद जी हम पहले बार देख रहे हैं, आप इसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद जी बोले देखो मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम नए डिवोटी हो, मैं तुम लोग को मेरा गुरु और भक्ति मेरा ठाकुर जी को समर्पण करके जा रहा हूँ, क्योंकि फादर से ग्रैंडफादर नाना जो होते हैं, दादा जो होते हैं ना, वो ज़्यादा दयालु होते हैं, क्योंकि तुम नए डिवोटी हो। देख लेने का बाद भक्त लोग का ऊपर इतना असर पड़ा कि देखो गुरु का ऊपर कितना, चेला करने का बाद कभी गुरु भाव नहीं, उनका केयर कौन करेगा? मेरा गुरु जी। शक्ति कभी नहीं सोचते मैं शक्तिवान हो गया हूं, मैं गुरु हो गया। गुरु गुरु क्यों है?
वो नित्य दास, नित्य शिष्य समझते हैं। इटर्नली आई एम ए डिसाइपल, देयरफॉर हिज गुरु, इटर्नली, नॉट पार्शियली, नॉट फॉर टाइमिंग। हर पल पर सोचता है मैं शिष्य हूं, इसीलिए गुरु हो जाते हैं। और भगवान उनको गुरु बना देते हैं। क्यों गुरु बना देते हैं? क्योंकि वो हर पल पर, ना तो व्यास पूजा डे में वो सोचता है मैं डिसाइपल हूं, ना तो गुरु पूजा में सोचता है। भक्ति सिद्धांत सृष्ट गुरु प्रभुपाद जी कहा करते हैं ना, हर पल पर व्यास पूजा है, हर पल पर वो सोचता है मुझे गुरु जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनके लिए मैं जिया हूं, मैं शिष्य हूं। वही गुरु बन जाता है, भगवान उनको गुरु बना देता है, वो हैप्पी हो जाते। तो जो निष्कपट दैन्य में कनेक्शन आप क्या बोल रहे हैं, अपराकृत दैन्य कैसे आता है? अपराकृत दैन्य क्या है? ये ठाकुर जी का कृपा है, भगवान की, राधा रानी की कृपा है। कृपा में वही दैन्य है, वो प्रेम को आकर्षण करते हैं। दैन्य भाव से जो प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी सुनते हैं, प्रेम मिलता है। तो निष्कपट भाव से हम गुरुवाश्रय करना चाहिए, गुरु जी का सेवा करना चाहिए। हमारा जितना सामर्थ्य है प्रेम भाव से वो सेवा करना है। और गुरु की कृपा यही है कि हमारा कहाँ कहाँ स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन में कहाँ कहाँ कमी रहता है उसको दिखाई देता है। और एक साथ ही साथ दूसरे का दोष दर्शन करने का वृत्ति भी चला जाता है। आपको लगेगा कि सब लोग भजन कर रहे हैं, मैं ही भजन नहीं कर रहा, सब लोग गुरु जी को फॉलो कर रहे, मैं ही नहीं कर रहा। ये गुरु की कृपा है, इसे एक प्रार्थना का भाव आता है। और प्रार्थना भाव से हम जब गुरु जी का कृपा मांगते हैं, ठाकुर जी का कृपा मांगते हैं, ये जो अयोग्य भाव बढ़ जाता है उसको दैन्य बोलते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन जब मैच्योर्ड हो जाता है ना, उस दैन्य हो जाता है। दैन्य का भाव क्या है, कैसे हम प्रार्थना करते हैं, लिखे हैं ना भक्त में ठाकुर, कवे है न कृपा लभी आए जन, कृतार्थ होई वे नाथ, कवे है न कृपा लभी आए जन, कृतार्थ होई वे ना, कवे है न कृपा लभी आए जन, कृतार्थ होइबे नाथ, कवे है न कृपा लभियाए जन, कृतार्थ होइबे नाथ। शक्ति बुद्धि नामी अति दीन, शक्ति बुद्धि नामी अति दीन, करो मोरे आत्मा सात, करो मोरे आत्मा सात, करो मोरे आत्मा सात, करो मोरे आत्मा सात। योग्यता विचारे किछु नाई पाए, तुमार करुणा सार, योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुमार करुणा सार, योग्यता विचारे किछु नाही पाए, तुमार करुणा सार, योग्यता विचारे तुमार करुणा सार, करुणा ना हैले कांदिया कांदिया, 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 प्राण ना राखी ठाकुर ने लिखे। अब ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए,
शक्ति बुद्धि हीना अमी अति दीना, सेवा भी चलता है, भजन भी चलता है, प्रचिंग भी चलता है, लेकिन अंतर में ये अयोग्य भावना हर समय उदित होता है। अरे भावना को लेकर इसको दैन्य बोलते हैं। वो जितना मैच्योर होता है, जितना परिपक्व होता है ना, दैन्य उदित, दैन्य के माध्यम से हम गुरु जी का कृपा, वैष्णव लोग की कृपा और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये शरणागति का अंग हो जाता है, गुरु जी मैं आपका हूँ, ठाकुर जी मैं आपका हूँ। ये अप्राकृत दैन्य उसको बोलते हैं, ये प्राकृत, इसमें क्योंकि प्राकृत दैन्य क्या होता है, वचन में तो हम बोलते हैं ना, प्रणाम कर लेते हैं वैष्णव लोग को, गुरु जी को प्रणाम कर लेते हैं, वचन में बोलते हैं ना प्रभु जी मुझे कृपा कीजिए, लेकिन मन में क्या होता है, मन अलग दिशा में, मन में दम्भ होता रहता है, बाहर में तो पता नहीं चलता है, बाहर में लगता है बहुत सरल है, इनका दम्भ नहीं है, लेकिन मन का भाव तो ठाकुर जी को पता है। हमको अपराकृत दैन्य चाहिए, वो अंग हो जाता है, दैन्य प्रेम को आकर्षण करता है, दैन्य। और अगर कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर दैन्य होगा तो मान लो कोई गुरु वैष्णव की निंदा कर रहे हैं तो क्या करना है आपको? सबसे दैन्य का जो उदाहरण, सबसे दीन भाव किसका है? चैतन्य महाप्रभु उनसे कोई नहीं, महाप्रभु जैसे कोई नहीं। वही कृष्ण इतना स्ट्रिक्ट है, जब वो सन्यासी बनकर आ गए ना, महाप्रभु का अलग भाव, सबको रेस्पेक्ट देना। देखो मायावादी लोग से लड़ाई करते थे, कुछ नहीं, छोटे छोटे बात पर ऐसे गोली चला देते थे और मुस्कान में गोली चला देते थे, वो हंसी उनका हंसी गोली है। अब देखे ना महाप्रभु ऐसे ही है, कभी कंप्रोमाइज नहीं किए हैं, कभी नहीं, लेकिन ऐसे बोलते थे ये प्रीचिंग तो कोई भी नहीं कर सकते दुनिया में। मायावादी लोग से लड़ाई करते थे, लेकिन इतना सुंदर भाव से बोलते थे, मायावादी लोग रिझ जाते, ये कौन है, भगवान है ना, इतना सुंदर से बोलते थे, अनपालाटेबल ट्रुथ बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, क्या बोले, अप्रिय सत्य, उसको डाइजेस्ट करना बहुत, जैसे कोई शराबी है ना, उनको बोलते तुम शराबी हो, ये अनपालाटेबल ट्रुथ हो गया। महाप्रभु ऐसे बोलते थे, लेकिन उनका हंसी ऐसा है, चाल ऐसे, बोलने का चाल ऐसे है, सब लोग चरण में गिर जाते थे, ये भगवान है, नहीं तो ऐसे कोई नहीं बोल सकता। और बोलते थे किसको भी दुख नहीं होता था, डीलिंग्स स्वीट डीलिंग्स है। लेकिन महाप्रभु जब देखे कि नित्यानंद प्रभु जी को प्रहार किए, कौन जगाई और माधा है, महाप्रभु ने देख लीजिए, उस समय तुरंत भाव नहीं रहा, क्योंकि गुरु तत्व का ऊपर गुरु जी को ही आक्रमण कर रहे हैं, तब तो सुदर्शन चक्र को बोला है। जब गुरु वैष्णव का निंदा होता है, हम ऐसे नहीं बोलते कि ठीक है मैं तृणांत की, लेकिन देखो हम अपोज जो कर रहे हैं आज, हमारा तृणांत भी लगता है कि हम एग्रेसिव मूड में आ रहे, ये हमारे के लिए नहीं है, गुरु वैष्णव का निंदा हो रहा है इसीलिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि उसको अगर हम सहन कर लेते हैं ना, नुकसान हो जाएगा। जैसे पुराण में है ना, सत्यधन्वा नामक एक राजा थे, सत्यधन्वा वैष्णव थे, वो रास्ता में जा रहे थे, एक वैष्णव निंदुक का संग हो गया, वो निंदा कर रहा था, वो कुछ नहीं बोला, प्रतिवाद करना है, आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो स्थान छोड़ देना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। उनका जन्म, दूसरा जन्म क्या हो गया पुराण में, कुत्ता का जन्म हो गया, गुरु का निंदा, वैष्णव लोग का निंदा, प्योर डिवोटीज उनका निंदा सुन रहा था ना, कुत्ता का जन्म हो गया। अपोज करना चाहिए, आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्यों ऐसे बोल रहे, इसका मतलब नहीं कि दैन्य नहीं है, ये प्रपर दैन्य है। हम क्या करते हैं, देखो दैन्य का कितना डिविजन सब होता है। जब हमारा पर्सनल मोटिव आ जाता, पर्सनल क्या बोले, व्यक्तिगत भाव से कोई सम्मान जा रहा है, व्यक्तिगत कहां भी पर्सनलिज्म लग जाता है ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे गुरु जी अपराध, अपराध कैसे लगता है, गुरु जी कितना कड़वा कड़वा बात बोलते हैं, डांटते हैं, तो शिष्य को डांटते हैं कि नहीं, तो शिष्य को जब डांटते हैं तो ये वैष्णव अपराध क्यों नहीं है, शिष्य को तो दुख होता है, तो ये वैष्णव अपराध क्यों नहीं है? आपको अगर कोई क्वेश्चन करेगा,
किसका मन में दुख नहीं देना चाहिए, तो गुरुजी दुख दे रहे हैं, उनको डांट रहे हैं। गुरुजी का कोई द्वेष नहीं है, तुम्हारा भलाई के लिए बोल, अपराध क्यों हम मानते हैं? हम जिसको द्वेष करते हैं ना, उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनका कितना गुण है, एक दोष के लिए बिल्कुल उनको पूरा निकाल देते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए हमारा भलाई नहीं होता, ये अपराध हो जाता है। दैन्य का समझना चाहिए कि भजन ऐसा है ना, भजन का कई कई दिशा होता है, आपको बहुत विचक्षण होना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। स्थूल बुद्धि संपन्न, स्थूल बुद्धि बोलते हैं ना, ग्रस मेंटल इंटेलिजेंट होगा तो चलता नहीं काम, तो काम नहीं चलेगा। इसलिए यही तृणादन भाव है, और महाप्रभु ने हम लोग को शिक्षाष्टकम है ना, दैन्य भाव के साथ अई नंद तनुज किंकरम पतितमा विषमी भवाम बुद्धि, दैन्य भाव से। और दैन्य भाव सबसे पक जाता है, हाइस्ट यू कैन से हाइस्ट लेवल गोपी लोग का है, राधा रानी अई अश्लिष्य वा पादरतम विनष्ट, कुछ भी करे, आलिंगन करे या पाँव में आओ फैल दे मुझे दूर से, फिर भी आप मेरा है, शरणागति का टॉप मोस्ट। ये दैन्य अपराकृत होना चाहिए। और इस सरल सूत्र यही है, सबसे सरल सूत्र क्या है शरणागति प्राप्त करने के लिए और ये दैन्य भाव प्राप्त करने के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट सबको पोषण करता है, सिंप्लिसिटी इज वैष्णवीजी, तुम सरल बन जाओ। सरल का मतलब ये, मेरा गुरु जी बोले हैं, प्रभुपाद जी बोले हैं, हमारा गुरु जी डेफिनेशन नहीं देते, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मीन्स अनफ्लिंचिंग फेथ ऑन वर्ड ऑफ साधु एंड गुरु। दुनिया में कोई कुछ बोले, कोई शास्त्र कुछ बोल रहा है, मेरा गुरु जी बोल रहा है ना, मैं इसको बस करूंगा, बस ये सरल भावना, इस सरल भावना से सब व्यवस्था हो जाता है। इतना चिंता नहीं करना चाहिए, तो हम तो ये फिलोसफी सुन रहे हैं क्योंकि हमको ये चाहिए, लेकिन सूत्र भी है मैथमेटिक्स, हमारा टीचर थे ना वो मैथमेटिक्स, उनका नाम ही था गोवर्धन, नाम ही था गोवर्धन, वो इतना एक्सपर्ट है। मैं इस बार गया था उनको देखने के लिए, क्यों, वो लोग बहुत हम लोग को सिखा दिए, वो कंप्यूटर जैसा है, उस समय कुछ नहीं था, वो पूरा वो उनको सट फॉर्मूला पता है क्या क्या करने से रिजल्ट मिल जाएगा तत्क्षण। ऐसे भक्ति योग में इस ट्रिक छोटा छोटा चीज होता है, सरल सिंप्लिसिटी, हम सरल हो जाते हैं, निष्कपट हो जाते हैं ना, सब व्यवस्था गुरु और वैष्णव हमारे लिए सब सब गाइड कर देते हैं। ये सबसे सरल सूत्र है, इसी की ये तो साधन। देखिए दैन्य के लिए भजन चलता है, कीर्तन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, लेकिन ये साधन जो है ये सब कर रहे हैं दैन्य के लिए। दिनता आना चाहिए ना, इतना करने के बाद दिनता नहीं आ रहा है, इसका मतलब गुरु जी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, रूपा जी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, वैष्णव लोग हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, फिर हमको प्रार्थना करना पड़ेगा। भक्ति जो इतना स्पष्ट है ना, आपको पता चल जाएगा मैं कौन से लेवल में हूँ। लोग बोलने से क्या होगा, लोग कितना बोलेंगे, तुम बहुत बड़ा बाबा हो गए हो, तुम हमको तो पता है। जब ये दैन्य भाव नहीं आ रहा है ना, तो पता होना चाहिए कि गुरु जी मेरा प्रसन्न नहीं, मेरा क्यों दम्भ भाव आता है, वैष्णव लोग का दोष मैं क्यों देखता हूँ, उन लोग का इतना गुण है, कितना जन्म का बाद कोई भक्त बना है, भगवान का नाम कर रहे हैं, ये दैन्य गुरु वैष्णव की दया से हो जाते हैं। तो इसका बाद हम दूसरा से दैन्य में तो बहुत टॉपिक है, मैं ज्यादा अभी तो विश्राम देता हूँ क्योंकि अगर बोलूंगा तो ये कल भी दूसरा स्टेज दो, ये तो दो कम से कम कंप्लीट करना चाहिए। दैन्य इसका बाद दैन्य आत्मनिवेदन गुप्त तृतीय वरण, तीनों को कवर कर कम से कम हम करेंगे, कल कोशिश करेंगे हम, क्योंकि तीनों इम्पोर्टेंट बहुत है। दैन्य हम सुन लिए ना, दैन्य के साथ हमारा साधन है दैन्य, जिस देखिए दैन्य को सब जगह में लगा लीजिए, सब शरणागत हो जाता है। जब कोई कीर्तन करता है ना, दैन्य से कीर्तन करता है, प्रभु जी मैं आपका नाम लेने के लिए लायक आदमी नहीं हूँ, कितना बुरा आदमी हूँ, फिर आपका नाम ले रहा, कीर्तन का भाव हो गया। जो कथा बोलते हैं ना वो बोलते हैं, देखिए ये व्यास का आसन है, जब सुखदेव गोस्वामी पढ़ते थे
जब व्यासदेव बैठते थे, जब मैं जहाँ मेरा गुरु जी बैठते थे उस आसन पर मैं आज बैठ रहा हूँ, और आप मुझे बैठा दें, मैं क्या बोलूँगा बोलो प्रभु जी। इसलिए देख लीजिए, कभी भी हम प्रवचन देते हैं ना बैठते, तो पूरा गुरु परंपरा का वंदना, गुरु महाप्रभु का वंदना, वैष्णव लोग का वंदना इसीलिए करते हैं। ये आपका आसन है। जैसे कोई जानवर को लाकर हम बैठा देते हैं ना, मैं जानवर आदमी हूँ, मुझे बैठा दिया गया, क्या बोलूँगा मैं, तो आप बता दीजिए। ये तो भाव है हम लोग का, हम साधन, कथा का साधन यही थी। जो भी करना भक्ति योग में, जितना भी आप जो कर रहे हैं ना, ठीक है, अच्छा, कोई प्रीचिंग कर रहा है, कोई बुक डिस्कशन, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको एक चीज हमको स्टडी करनी है। दिन पर दिन हमारा उम्र घटता जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, लेकिन गुरुचरण में मेरा मति हो रहा है कि नहीं, मेरा दीनता भाव आता है कि नहीं, क्योंकि दीनता से पोषण होता है सब कुछ। और एक चीज होता है दिन दैन्य भाव से, आपको पता है क्या होता है, दैन्य भाव इतना सुंदर चीज होता है ना, दीनता आ जाता है ना, दूसरे का हम दोष नहीं देखते, अपराध से बच जाते हैं। हमारा गुरुजी बोलते हैं अंग्रेजी में, आई एम द लोएस्ट ऑफ द लो। संसार में जितना गंदे आदमी, छोटे आदमी है, उनसे भी मैं छोटा। ये है हमारा स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, परिपक्व अवस्था, आध्यात्मिक परिपक्व अवस्था है। अपराध से हम ऐसे कितना भी एडजस्टमेंट हम करेंगे ना, अपराध से नहीं बच सकेंगे। तो कायिक नहीं करेंगे, वाचिक नहीं करेंगे, लेकिन मानसिक अपराध हो जाता है। बोलते तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं प्रभु जी ऐसे कर रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है मन में, तो ये अपराध हो गया ना, मानसिक अपराध हो गया। लेकिन दैन्य रहता है ना, गुरु से कृपा मिल गया ना, मानसिक अपराध, क्योंकि सबको देखते हैं ना, उनका अच्छा गुण दिखाई देता है, अच्छा गुण। कोई भी आश्रम में रहता है ना, उसका काम है। मैं कहाँ बोलता था, एक सबसे आलसी आदमी अगर आश्रम में रहता है ना, उनका भी एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, माना कुछ नहीं कर रहा है, एक दिन आएगा, क्योंकि आलसी है, वो कहाँ नहीं जाता है, उनको बोलो चलो कहाँ भी, बोलता है कि आश्रम प्रसाद लूंगा, इधर ही बैठूंगा। तो जब रथ यात्रा होता है, सब चले जाते हैं, तो उसमें आदमी चाहे रहने के लिए, एक दिन के लिए जीवन भर उनको रखना पड़ता है। व्यास पूजा होता है, गुरु जी का व्यास पूजा होता है, रथ बड़े बड़े उत्सव होता है, सब लोग चले जाते हैं। जिसको हम आलसी बोलते हैं ना, वही सिक्योरिटी गार्ड बनकर ठाकुर जी को देखता है, ठाकुर जी को देखता है। एक दिन के लिए भी देखो एक आदमी का जरूरत है, ये मंदिर है, भगवान एक दिन के लिए कृष्ण ने उनको रखे हैं, तो काफी हो, एक दिन का जरूरत है तुम्हारा। तो हमको क्या बोलते, वो आलसी ऐसा है, अरे भगवान उनको रखे है ना, कृष्ण का दरबार है, कृष्ण उनको बोला है, क्यों रखे, उनको पता है एक दिन कोई काम है उनका, कोई जरूरत काम। इसीलिए अपराकृत दैन्य जब तक नहीं मिलता है ना, वैष्णव अपराध से मुक्त होना बहुत मुश्किल होता है। सब वैष्णव है, ऐसे चैतन्य भागवत में ऐसे बोला है ना, सब वैष्णव है, जीव मात्र वैष्णव। हम क्या वैष्णव थे क्या, अभी वैष्णव हो गए क्या? आत्मा तो वैष्णव, भगवान के अंश है ना, विष्णु का अंश है। स्पेशली जो चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान भजन कर रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, तो वैष्णव है। तो ये अपराकृत दैन्य का काम, गुरु से कृपा मिल जाएगा तो हम स्वाभाविक वैष्णव बन जाएंगे। हमारा गुरु जी कहा करते थे, बी ए नेचुरल वैष्णव। हमको एक नेचुरल वैष्णव बनना है, नेचुरल वैष्णव स्वाभाविक वैष्णव बनना है। बाहर जैसे स्थिति है ऐसे हम डिलीक्स करें, नेचुरल वैष्णव गुरु की कृपा से हो सकता है। ये सब उधर ही लगेगा, आचार्य पास ही सब, श्री गुरु चरण पद्म जैसे प्रश्न भगवत प्रसाद। देखो जितना शास्त्र का सार है ना, गुरु वंदना में दो पद में गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्त करिया क्या अर ना करिया मने आशा, विधि अरनी से क्या करना है, गुरु मुख पद्म वाक्य, ये ऐक्य करना है, अंतर में रखना। ऐक्य का मतलब मेडिटेशन, ये हमारा मेडिटेशन है। और आर ना करिए मने आशा निषेध, आप कोई भी दूसरा आशा मत करिए, ये गुरु विधि और निषेध रहा। और रिजल्ट क्या है, अगर ऐसे करूंगा तो क्या फल मुझे मिलेगा, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति,
जी प्रसाद पूरे सर्वास। प्रभुपाद जी ने इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का जो प्रेम भक्ति चंद्र कैसे इस पर्सन को लाए और बोल दिए कि ये प्रोग्राम है, हर दिन आओ प्रभुपाद के सामने, किंतु घर में आप है ना, घर में प्रभुपाद जी के सामने गुरु जी के सामने यही बोलना है, मुझे यही चाहिए। और सुबह क्या बोलना है, सुबह यही बोलना है, जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद, तब तो अपराकृत दैन्य। तो इसका बाद दैन्य आत्मनिवेदन एक अंग है, ये थोड़ा कठिनाई है। आत्मनिवेदन, आत्मा मतलब कभी शरीर लगता है, मन लगता है, आत्मा से जितना जितना लगता है, मन इंद्रिय शरीर आत्मा सब निवेदन करना, सबको निवेदन करना, सब विक्रीता पशुवत। जैसे कोई पशु को हम बेच देते हैं ना, गया ये शरीर को बेच देना, खुद का सत्ता, मेरा कोई इंडिविजुअल स्वतंत्रता बोलते हैं ना, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस मेरा कोई नहीं, मैं आज से गुरु का हो गया, मैं आज से भगवान का हो गया, स्वतंत्र कोई विचार, स्वतंत्र चिंता, स्वतंत्र कुछ नहीं रहता। और ये आपको पता है सबसे फायदा क्या है आत्मनिवेदन में, अगर आप सब कुछ दे दिए है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट तो चला गया है, कभी कभी आ जाता है, वर्तमान भविष्य और अतीत तीनों के लिए दुख चला जाता है, चिंता नहीं रहता, सुख मिलता है। हमारा दुख का कारण क्या, कारण क्या है, क्यों हम दुखी हैं, मन की वजह से ना, मन कहाँ कहाँ अननेसेसरी थॉट्स लाता है, काल क्या होगा पता नहीं, 10 साल के लिए क्या होगा, मेरा लड़का का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, उड़िया में कहावत है ये हवा चलता है, समझ रहे ना, भीतर जाता है आता है, उसको विश्वास मत करो, निश्वास को विश्वास मत करो, सबको विश्वास करो, इन निश्वास को विश्वास मत करो, एक मिनट में बंद हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट है, देखो एक शर्ट, एक कुर्ता ना, एक कुर्ता बोलते हैं ना, शर्ट बोलते हैं ना, उसको सिलाई करते हैं हम, तो पहनेंगे तो 4-5 महीना अच्छे से सिलाई करो, जो भी करते हैं परमानेंट, कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, परमानेंट होना चाहिए सब। देखिए तो कितना दिन रुकेंगे इधर तो पता नहीं है, लेकिन सब चीज हम चाहते हैं कि परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा है, हम परमानेंट है ना, इसलिए कोई भी काम करते हैं, लेकिन पता नहीं ये शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए परमानेंट काम करना चाहिए। तो आत्मनिवेदन का मतलब यही है, दुख है, मन कचड़ा कहां कहां लाता है, भविष्य के लिए चिंता, जो हो गया उसके लिए चिंता, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इसमें कचड़ा है, क्या चिंता करना है। और आत्मनिवेदन में विश्राम मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर का संग है, याद आ गया, आत्मा निवेदन तोया पदे करी होइनु परम सुखी, आत्मा निवेदन तोया पदे करी होइनु परम सुखी, दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, 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 चौदी गे आनंद देखी, चौदी गे आनंद देखी, आत्मा निवेदन तोया पदे करी हईनु परम सुखी, आत्मा निवेदन तोया पदे करी कैसे सुखी, परम सुखी हूँ, आज कोई चिंता नहीं है मेरा प्रभु जी, मैं समर्पण हूँ, ये सुख है, इसलिए भक्ति जो हम आए हैं ना सब कुछ देने के लिए, सब तो ठाकुर जी का है, सब कुछ देने के लिए, जिसे ऋणी बोलते हैं ना हिंदी में,
जो ऋणी ऋण ऋण करता है ऋणी बोलते हैं ना, ऋणी जो है वापस दे देते हैं ना तो रिलैक्स हो जाते हैं। ये शरीर भगवान का है, धन तो भगवान का है, सब भगवान, उनको दे दो भाई रिलैक्स, अभी ऋण मुक्त हो गया। आत्मनिर्भर का तात्पर्य यही है, ये आप सब कुछ ले जाइए जो कुछ है। आत्मनिवेदन त्वया पदे करी हईनु परम सुखी, दुख दूर गेलो चिंता न, आज से कोई मेरा चिंता नहीं, दुख चला जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले, चांद हरे कृष्णा। देखो हम चांद हरे कृष्णा करते लेकिन बी हैप्पी नहीं होते हैं। यही प्रॉब्लम है, चांद हरे कृष्णा तो चलता है, बी हैप्पी क्यों नहीं आता है? छोड़ते नहीं, सब कुछ प्रभु, मैं आज से आपका हूं ना, आप चलाए, ये आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। और एक्चुअली ये रेस्ट, यही जीवन विश्राम है। भक्त जीवन का मतलब क्या है, ये रेस्ट लाइफ है, रिलैक्स। जैसे संडे को रेस्ट मिलता है ना, ज़्यादा सो जाते हैं आप लोग, इसे भक्ति जीवन में वो थोड़ा विश्राम। नहीं तो कितना दुख है जीवन में, आप लोग तो घर गृहस्थ में, आप मुझे तो पढ़ाई करके सुनाई करके मुझे दुख लग रहा है, आप लोग तो है इसमें, मैं क्या बोलूँ। पहले मैं इतना स्ट्रिक्ट था ना, मेरा पास कोई भी पास में नहीं आता थे, मुझे दुर्वासा लोग बोलते थे। मैं इतना कड़वा था ब्रह्मचारी जीवन में, मेरा पास कोई नहीं आते थे, किसका घर में मैं नहीं जाता था, मेरा गढ़ बदरा घर में कभी नहीं गया, कोई माता जी कुकिंग करेगा नहीं। लेकिन जब सन्यासी हो गया और दुख सुनने लगा, मैं भी पिघल गया भाई, इतना दुखी में है, मुझे पता नहीं था, मैं सोचता था कि सब आनंद में है, डिवोटी बन गए हैं, सब आनंद सुख में, अब तो बाबा जी लोग आपको क्या बताएं। जब थोड़े थोड़े घर गृहस्थी का बात सुनने लगा ना, भाई इतना दुख में है ना भाई, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इतना दुख में है, तो मैं भी बदल गया, इतना दुख है। इसलिए ब्रह्मचर्य लाइफ हैप्पी लाइफ, बहुत सुंदर जीवन है भाई, कम से कम तो चिंता नहीं है, जो भी चिंता करना है खुद का प्रॉब्लम है, 50% है, उसको खुद ही सॉल्व करेंगे, दूसरा तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमारा है, तो जहाँ भी जाएंगे वही कौपिन है, हमारा पास बैग है, छोटा बैग तिलक है, भागवत पकड़ कर चलेंगे भाई, खुद का प्रॉब्लम 50% है, सॉल्व कर सकते हैं। और शादी कर लिए तो 50% आ गया, फिर ये 100 हो जाएगा ना, खुद का 50 तक कर लेंगे, और 50 कहाँ से फिर सॉल्व करेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए सब आचार्य लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य लाइफ हैप्पी लाइफ, ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन को निंदा करें, ऐसा नहीं है, गृहस्थ जीवन में वो गुरु भक्त होना चाहिए। और पत्नी इस सहारा है, हमारा गुरु जी बोलते थे गृहस्थ जीवन में ठाकुर जी का क्या ब्लेसिंग से, अगर उनका पत्नी जो है माता जी है ना, वो सपोर्ट करती है, तो सोच लीजिए ठाकुर जी का ब्लेसिंग। इसलिए जो जैसे आप लोग दीक्षा ले ली है ना प्रभु जी माता जी दीक्षा ले ली, आज आप गृहस्थ नहीं है, आप अभी गुरु भक्त हो गए, आप ऐसा मत सोचिए आप एक कैटेगरीज में चले गए, आप अभी गुरु का, आप ब्रह्मचारी के लिए जो प्रिंसिपल है आपके लिए, आप सेवा करेंगे तो कृपा मिलेगा, अभी प्रभु जी माता जी आप हो गए गुरु का, गुरु दास। ऑर्डिनरी गृहस्थ कभी नहीं, भक्त लोग कभी नहीं सोचना चाहिए हम बाल बच्चे का चिंता ये सब छोड़ देना चाहिए, अब ये हमारा चिंता, ये गुरु का चिंता है, भगवान की सेवा, गुरु का सेवा, कई जन्म का बाद हम आए हैं ना इधर, ये हमारा लाइफ अलग है। छोटे छोटे बात पर झगड़ा लगना, छोटे छोटे बात पर रुट जाना, इस नहीं, छोड़ दीजिए सब, ये संसार बाल बच्चा का जिम्मेदारी ठाकुर जी लेंगे, आप मत सोचिए कि हम ये सिखाते हैं कि लोग को तुम सब छोड़ कर चले आओ, जहाँ हो ना उधर जिम्मेदारी छोड़ो ठाकुर जी का ऊपर, तुम ठाकुर जी का हो जाओ और जिम्मेदारी ठाकुर जी को छोड़ दो, ये आत्मसमर्पण है। इसमें क्या सुख मिलता है, नेक्स्ट देख लीजिए, अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वार, अशोक अमृत अमृत आधार तुम्हार चरण, अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वार, अशोक भय अमृत आधार तुम्हार चरण द्वार, ताहा ते
छाड़ी नु भावे रो भाय छाड़ी नु भावे रो भाय आत्मा निवेदना तो या पदे करी हई नु परम सुखी आत्मा निवेदना तो या पदे सुख में हूँ अशोक अभय अमृत अरस्ता आपका चरण कमल में अमृत है और चरण कमल को गुरु श्री गुरु चरण वैष्णव लोग का चरण भगवान की चरण कमल चिंता करने से सुख नहीं रहता है। अशोक और अभय हर जगह में देख लीजिए डर है, लोग डरते हैं, हमारा डर नहीं है कि हमारा प्रभु जी रक्षक है। इसका ऊपर देखिए और तहाते एखन विश में ये विश्राम में बोल रहा था अभी रेस्ट हम ले रहे हैं, ठाकुर जी का चरण कमल गुरु जी का चरण कमल हम रेस्ट ले रहे हैं, कोई डर नहीं हम लोग का, हमारा रक्षा के। ये देखिए कोई अगर बोले कि मैं तो गृहस्थ हूँ मैं क्या करूँगा, अब तो बाबा जी आप बोल देते हैं प्रवचन में अब तो घर गृहस्थ कुछ नहीं है तो आप तो बोल देंगे ऐसे नहीं भाई, ये सबके लिए है। आप क्यों सोचते आपका परिवार है, आप सोच लीजिए भगवान के परिवार है, आप जिम्मेदार ले रहे हैं ना, अभी ठाकुर जी लेंगे। जैसे हम मंदिर नहीं चला रहे हैं प्रभु जी, हम मंदिर नहीं चला रहे हैं, हम हमारे ड्यूटी कर रहे हैं, ठाकुर जी डोनर कहाँ ले आते हैं, ठाकुर जी सेवक कहाँ ले आते हैं, हम सिर्फ हमारा ड्यूटी करते हैं, हमको करना है गुरु के लिए भगवान के लिए, और जो व्यवस्था है ना ठाकुर जी देते, आपका घर में ऐसा करना है। तुम्हारा संसारे करीब से बना नहीं वो फले रो भागी, तुम्हार संसार करी वो सेवना, तुम्हार संसार करी वो सेवना नहीं वो फले रो भागी, तुम्हार संसार कब सुख जहाँ करीब जतन, तब सुख करीब जतन, तब सुख जहाँ करीब जतन, तब करीब जतन है पदे निवेदना तोया पदे करी हई नु परम सुखी, आत्मा निवेदना तोया पदे करी हई नु परम सुखी। तुम्हार संसार हमारे गुरु जी कहा करते थे पता है आपको क्या है, हम एक संसार में, हम गुरु संसार में, गुरुजी ने एक संसार, ये मंदिर क्या है गुरु का संसार, ये गुरु संसार है, गुरु ने क्या किए हैं गुरु संसार में हमको जाना चाहिए, गुरुजी गुरु के संसार में भीतर हम जाएंगे ना, गुरुजी ने एक संसार भीतर रखे हैं वो क्या है कृष्ण का संसार, पहले गुरु संसार में आ जाइए उसका बाद गुरुजी क्या करेंगे आपको कृष्ण संसार में ले आए, पहले गुरुजी का संसार में। हमारा गुरुजी कहा करते थे हम एक फैक्ट्री खोले हैं, गुरुजी एक फैक्ट्री खोले तुम इधर एम्प्लॉई हो जाओ, इधर ये फैक्ट्री इसका क्या है ये प्रभुपद का संसार है, संसार में आ जाइए, इसका बाद प्रभुपद ने क्या खोले हैं इधर कृष्ण संसार, ये तुम्हार संसार, आप गृहस्थ हो सकते हैं तुम्हार संसार करी, बाल बच्चा किसका है कृष्ण का है, आपको बर्डन लगता है ये मेरा बच्चा हो गया मेरा ऐसा हो गया मेरा पति, आपको क्यों इतना, तो कृष्ण का है, आप कृष्ण का हो गए तो जो कुछ है किसका है कृष्ण का है। इंडिविजुअल सोचना नहीं चाहिए, स्वतंत्र हो जाते हैं ना गुरु कृष्ण से अलग हो जाते हैं ना चिंता आ जाता है। तुम्हार संसार करीब सेवन नहीं वो फले रो भागी, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बोलते हैं ना हम, ऐसे नहीं है सुख मिलेगा दुख मिलेगा, बाल बच्चे का क्या हालत होगा उनका, उनका संसार
फलेर भागी, क्या फल मिलेगा इसका, मैं तो इसका भागीदार नहीं हूँ, और क्या करूँगा संसार में। तो ये बहुत सुंदर है, ये भक्ति विनोद है ना। तब सुख जा करीब जतन पदे है अनुराग, अनुराग से प्रेम से आपके सुख के लिए मैं सब कुछ करूँगा, आपका संसार में रहूँगा जिसमें आपका सुख होगा, इस यही करूँगा, ये मेरा जीवन है। ये कितना सुंदर शब्द लगाए, तब सुख जाहे करीब वो जतन, हमारा जतन ही है ठाकुर जी का सुख कैसे हो जाए, अनुरागी होकर उसका ऊपर है। और दुख भी आएगा, जब हम साधु लोग को कभी कभी हम आपको दुख आता है, आप लोगों को भी दुख आता है, तो बोले कि परम सुख मिलेगा, लेकिन दुख तो आता है, नहीं होता है, आप टेम्पल कमांडर है ना, नाम तो टेम्पल का कमांडर है, देखो कितना लोग कितना बात बोलते हैं, होता है ना, तो दुख हो जाता है। प्रसाद अच्छा है तो सब लोग बोलते हैं प्रभु जी आज अच्छा प्रसाद, पर क्या किए हैं आज, इतना बड़ा फिस्ट प्रसाद क्या हुआ आज, तो दुख होता कि नहीं, तो दुख तो आ जाता है, हम तो शरणागत हो गए दुख आता है। तब भक्ति में ठाकुर नहीं, ये दुख नहीं है, भक्त का जीवन में दुख कभी नहीं आता है, जो शरणागत आत्मा हो जाता है ना, दुख नहीं, वो क्या है, लिखे तुम्हार सेवाए दुख है जत से परम सुख, तुम्हार सेवाए दुख है जत से परम सुख, तुम्हार सेवाए दुख है जत से परम सुख, तुम्हार सेवा दुख है जत से परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा, सेवा सुख दुख परम संपदा, सेवा सुख नाशय अविद्या दुख, नाशय अविद्या दुख, नाशय अविद्या दुख, नाशय अविद्या दुख, आत्मा निवेदन तो आप रे करी हरि नु परम सेवाए दुख है जत। देखो हम बाहर दुनिया में बहुत दुखी थे, अभी भक्ति दुनिया में आ गए तब तो इधर भी सोचते हैं मेरा क्या लाभ हुआ, इधर आता हूँ फिर भी प्रॉब्लम है, ये बाहर दुनिया की समस्या अलग है, इस दुनिया की समस्या अलग, बाहर दुनिया कर्म की वजह से हम दुखी थे, अभी जो दुख मिल रहा है ना ये हमारा कर्म फल जा रहा है, ठाकुर जी थोड़ा दे रहे हैं हमको हमारे रियलाइजेशन के लिए, ये कृपा है, अनुकंपा है कि अविद्या है ना, हम लोग का दुख नहीं मिलेगा ना, हम शरणागत नहीं, ठाकुर जी को भजन नहीं करेंगे। माँ पढ़ाई के लिए जो पिटाई करती है, बच्चे लोग को पिटाई करती है ना, ये क्या दुख देती है क्या, सिर्फ पढ़ाई के लिए, तुम पढ़ो, हमको जो दुख मिलता है ना एक चीज के लिए, भजन करो, ये गुरु जी देते हैं ठाकुर, ये तुम्हारा धर्म है ना, तुम धर्म क्यों पालन नहीं कर रहे, भजन क्यों नहीं कर रहे, यही दुख है और कोई तुझसे दुख नहीं, इसलिए वो लिख दिया है ना, तुम्हार सेवाए दुख है जत से ही तो परम सुख, ये मेरा सुख है, क्यों, सेवा सुख दुख परम संपद, सेवा में जो सुख दुख आता है ना संपद है। हम तो सुख में करते हैं, दुख थोड़ा जाता है तो मन गया, फट जाता है, दिल फट जाता है, इच्छा नहीं होता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, सुख दुख आता है, नाशय अविद्या दुख, बहुत डेस्ट्रॉय द मिजरी ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या, देखो जीवन में जितने बड़े बड़े भक्त गोपी लोग प्रहलाद, हमारे गुरु जी कहा करते थे ना, वही कर तुमको रोना पड़ेगा, अगर नहीं रोएंगे ना कृष्ण तुमको नहीं मिलेगी,
हम तो रोते नहीं है ठाकुर जी के लिए, रोते तो ये रुलाते हैं, इस सेवा से हमको ठाकुर जी रुला देंगे, व्याकुल भावना आता है। सब तो दुख देख लीजिए, प्रहलाद का जीवन में दुख नहीं आए, ध्रुव महाराज के जीवन में दुख नहीं आए, गोपी लोग का जीवन, लेकिन दुख वो दुख की वजह से पांडव लोग, लेकिन दुख उन लोग के लिए दर्पण हो गया, दर्पण बोलते ना मिरर हो गया। ये दुख, ये हमारा जीवन में जो दुख आता है ना, वो ये दुख एक मिरर होता है, इसमें हम ठाकुर जी का मुख देखेंगे और आपको भी देखेंगे, दोनों का दर्शन होता है। हम मैं कैसा हूँ, दुख जब आ जाता है ना तब देखता मैं शरणागत हूँ कि नहीं, मैं भक्त हूँ कि नहीं, मैं गुरु भक्त हूँ कि नहीं, थोड़ा दुख में मेरा तो ऐसा सब कुछ चला गया, मैं कैसा भक्त हूँ, ये मिरर हो जाता है। भगवान की परछाई उधर देखते हैं और खुद को भी देखते हैं हम लोग, ये दुख ना सही अविद्या दुख, और ये तो बहुत बड़ा भजन लिखे हैं सब, और ये तो बहुत सुंदर पद है। पूर्व इतिहास भूली न सकल सेवा सुख पे माने, पूर्व इतिहास भूली न सकल प्रभु पूर्व इतिहास भूली न सकल सेवा सुख पे माने, पूर्व इतिहास भूली न सकल सेवा सुख पे माने, आमी तो तोमा इतिहास भूली न सकल सेवा सुख पे मन, जीवन में कितना दुख मुझे मिला आप देख लीजिए, एक इतिहास महाभारत रामायण जैसा हमारा जीवन में जितना दुख मिला है, एक डायरी बना लीजिए, कितना दुख, कितना लोग कितना बात बोले, इस संसार से आपको कितना दुख मिला है, इस सब में ठाकुर जी भूल गया हूँ, क्यों आपका सेवा सुख मिल रहा है अभी, सेवा सुख, इसलिए मंदिर ही हमारा गुरु जी कहा करते थे ये एक यज्ञ क्षेत्र है, समझ रहे हैं ना, क्या यज्ञ इधर कौन सा यज्ञ हो रहा है, सेवा यज्ञ हो रहा है, इसलिए मंदिर में जितना प्रभु जी लोग है, माता माँ जी लोग हैं, आप लोग मंदिर में आना चाहिए और कोई भी सेवा प्रभु जी से मांग कर लेना चाहिए, ये यज्ञ है, भगवान इधर है, गुरु जी प्रभुपाद जी की दया से, महाराज श्री की दया से भक्त लोग आए हैं, ये यज्ञ सेवा एक यज्ञ है, आपका तन मन धन सब कुछ आप दे रहे हैं, ये यज्ञ, और इसमें क्या होता है, ये भाव आ जाता है, पूर्व इतिहास भूली न सकल, मैं भूल गया जीवन में जितना दुख मुझे मिला था सब मैं ठाकुर जी भूल गया, और मुझे सेवा सुख मिल रहा है, सेवा सुख मिल जाता है तो दुख चला जाता है। हम क्या करते हैं, सेपरेटली हम सोचते हैं कि मेरा जो चिंता है वो चले जाए, नहीं जाता, हमारा भजन का बल इतना नहीं है कि हम भजन करके हम दुख को हटा देंगे, आपको कोई सुख चाहिए, पहले सुख आ जाता है तो दुख जाता है, या दुख हट जाने से सुख आता है, कौन सा है,
देखो बाहर लोग का फिलोसफी अलग है, हमारे लोग का फिलोसफी अलग है। बाहर लोग का फिलोसफी है ना, दुख हटा दूंगा सुख आ जाएगा। अंधकार पहले हट जाता है उसका बाद सूरज आता है, या सूरज आने से अंधकार हटता है? देखो बाहर लोग कितना बुद्धू है, साइंटिस्ट है लेकिन बुद्धू है, ये बुद्धू है सब। हम रास्ता चौड़ा कर लेंगे दुख चला जाएगा, हॉस्पिटल खोल देंगे तो दुख चला जाएगा। अरे पहले सुख कैसा आएगा उसका चिंता करो, सुख कैसा मिलेगा तब दुख चला जाता है। हमारा सुख इसी में मिलता है, इसलिए इस सेवा यज्ञ है। मंदिर में आना, सेवा करना, कुछ भी सेवा जाओ। स्पेशल 2000 इनिशिएटेड जो दीक्षा ले लिया ना, उन लोग का ये धर्म है, गुरु गृह में ही प्रभुपाद के घर में सेवा करना। ब्रह्मचार्य लोग को थोड़ा मदद कीजिए, वो लोग पढ़ाई करेंगे, वो लोग स्वाध्याय करेंगे, अच्छे से भजन करेंगे, समाज के लिए वो लोग गिफ्ट बनेंगे, उपहार बनेंगे। कितना लोग दुखी है, हम लोग कैसे दे आप सोच लीजिए। तो कोई ब्रह्मचार्य लोग ने हमको प्रीचिंग किया ना, तो हम तो अभी तो सुख में, थोड़ा सुख में है ना। आप लोग आइए मंदिर में, सेवा कीजिए और इसमें सुख मिलता है। ये सुख की वजह से आप दुख भूल जाते हैं। सेवा नहीं छोड़ना, हमारा गुरु जी कहा करते थे जो सेवा छोड़ देता था, छोड़ दिया है ना, वो मृत आदमी है, मर गया है, सेवा नहीं कर रहा है, वो क्या भजन करेगा। ठाकुर है इधर बुला रहे, आओ मेरा सेवा करो, जो भी हो सकता है आपसे करना चाहिए। पूर्व इतिहास भूलि नु सकल सेवा सुख पे मने, अभी तो तुम्हार तुम्ही तो हमार, की कहा जाओ पर धने, मुझे कोई जरूरत। ये भाव कब आता है? देखिए शरणागति का भाव आ गया कि नहीं, आत्मसमर्पण में शरणागति भाव आ गया है कि नहीं? प्रभु जी मैं आपका हूँ, आप मेरा है, ये कब से आता है? वो सेवा करते, मुझे कोई दूसरा कुछ चीज का जरूरत नहीं, मुझे सेवा मिल रहा है, मेरा गुरु का सेवा, प्रभुपाद जी की सेवा, वैष्णव लोग की सेवा मिल रहा है, यही मेरा धन है, मुझे कोई धन जरूरत नहीं। अरे भक्ति में ठाकुर अंतिम पद है, भक्ति में ठाकुर लास्ट में, हाँ इतना सुंदर पद। मैं आपका घर में हूँ ठाकुर जी, मैं चेष्टा करूँगा, मैं प्रचेष्टा करूँगा आपको सुखी करने के लिए। भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तारे, भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तारे, भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तारे, सब चेष्टा करे तब इच्छा मते, तब चेष्टा करे तब इच्छा मते, सब चेष्टा करे तब इच्छा मते, सब चेष्टा करे तब इच्छा मतो, थाकिया तुमार घरे, थाकिया तुमार तुमार धारे, थाकिया तुमार धारे। आत्मा निवेदन तोया पुदे करी आइनु परम सुखी, आत्मा निवेदन तोया पुदे करी आइनु परम, अगर कोई बोलेगा तुम तो सुख मिल रहा है सेवा में, सेवा से सुख मिल रहा है, दुख तो चला गया, लेकिन तौर उतरेंगे कैसे? संसार को पार होकर भगवान के पास तुम कैसे जाएंगे? तुम्हारा भक्ति हो रहा है कि नहीं? तुम्हारा उद्धार होगा? भक्ति में ठाकुर यही बोल रहे हैं अंतिम, भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तरे।
अंग्रेजी में देखिए कितना सुंदर लिखे, भक्ति विनोद ठाकुर सिंग डीपली इनटू द ओशन ऑफ प्योर ब्लिस बाय एंगेजिंग इन योर सर्विस। हम सेवा में सेवा करते करते इतना निमज्जित हो जाएंगे, हम कैसे भगवान के पास जाएंगे हमको ही पता नहीं चलेगा। ये हमारा धर्म है, सेवा धर्म, सेवा धनम सर्वधनम प्रधानम। जितना धन है जीवन में सबसे बड़ा ही सेवा धन है। सब चेष्टा करी तब इच्छा मते थकिया तो मार करे। ये आपका घर है, मैं आपका घर में रहता हूँ और मेरा चेष्टा क्या रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका सुख के लिए और आपकी इच्छा से, आप थोड़ा आपका क्या इच्छा है मुझे हर समय बताते जाना, तो मैं कोशिश करूंगा आपके सुख के लिए। इस आत्मसमर्पण की भाव, आत्मसमर्पण है प्रभुपाद जी ने संकुक्ष में लिखे ना, सेपरेट सेपरेट करके, आत्मसमर्पण में क्या है, दैन्य में क्या है लिखे ना, गुप्त वर्ण में क्या है सब लिखे। और इलेवेंथ देख लीजिए, भागवत में जाना पड़ेगा। अगर कोई बोलेगा तो आप तो बंगाली भक्तिमय ठाकुर लिखे हैं, क्या प्रमाण है भागवत में? उनको अमृतत्व मिलेगा, जो आत्मसमर्पण हो जाते हैं उनको अमृतत्व मिलता है, आनंद मिलता है। 11:29-34 भगवान उद्धव को बोल रहे हैं, 11:29-34 अच्छा यस देख लीजिए। मर्त्य जला त्यक्त समस्त कर्म निवेदितात्मा विचिकित्सितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमाना मयात्म भूयाय च कल्पिते कल्पते वही। ट्रांसलेशन देख लीजिए, ए पर्सन हु गिव अप ऑल फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड ऑफर हिमसेल्फ एंटायरली अनटू मी। कोई भक्त है जो सब कुछ छोड़ दिए और भगवान की चरण कमल में संपूर्ण शरणागत हो गए, ईगरली डिजायर टू रेंडर सर्विस अनटू मी, सब कुछ छोड़े क्यों, मेरा सेवा के लिए। मृत्यु जदा त्यक्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा and achieve liberation from birth and death and is promoted to the status of sharing my own opulences, apurutattva। जो शरणागत हो जाता है उनको ठाकुर जी सब कुछ दे देते। और चक्र विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने यही लिखे हैं, कमेंट्री में लिखे हैं, मनुष्य जदा जादृचिक मद भक्त कृपा प्रसादात त्यक्तानि समस्तानि विद्यमय विद्वता। तो हम सोचते हैं ना, मैं सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करूंगा, सेवा करूंगा, फिर भगवान की सेवा पर आ जाते हैं ना, फिर सब कर्म हमको दिखाई देता है। मंदिर आ जाता है, एक घंटे के लिए मंदिर आ जाते हैं ना, अभी तो कुछ नहीं है, मंदिर में जाऊंगा सेवा करूंगा, फिर मंदिर आ जाते थोड़ा सेवा करते, फिर घर में तो ये काम है, इधर तो ये रेस्पॉन्सिबल है, ये कर्म क्या करना, इतना मुश्किल काम है ना, त्यक्ता समस्त कर्म, ये बहुत मुश्किल है। मर्त्योर जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदित आत्मा विचिकित्सितो मे। इसमें वो लिखे हैं, जादृच्छिक मद भक्त कृपा प्रसाद त्यक्तानि समस्तानि नित्य नमितिकानि कर्माणि। नित्य नमितिक जो कर्म है ना, जादृच्छिक मद कृपा, वही आ गया फिर गुरु तत्व। गुरु जी जब कृपा करते हैं ना, तो ये कर्म जो है इसका ऊपर इतना प्राधान्य नहीं देते, वो ठाकुर जी चलाते, हमारी वजह से घर गृहस्थ काम नहीं चलता है, वो चलाते हैं ना। अननेसेसरी लॉन्ग ओवर थॉट, कभी कभी आवश्यक नहीं है, बहुत टाइम हम दे देते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, देखो पहले जमाने में आप लोग जितना पढ़ाई करके जॉब किए हैं, आप लोग सिटी में नहीं पढ़े थे, सो गांव में पढ़े थे। आपके पिताजी आपके लिए इतना नहीं सोचे थे, मेरा लड़का क्या नौकरी करेगा कि नहीं। आजकल एक लड़का है, कोई चार पाँच नहीं है, हमारा देवता को कौन पूजा करेगा ये भी अभी चिंता हो गया। हमारा 33 करोड़ देवता है, अभी 33 करोड़ हिंदू है कि नहीं मुझे भी डाउट है। तो एक संतान है, फिर कितना चिंता है उसको, गांव में कोई नहीं रहता, अभी सिटी में जाना है, पूरी पढ़ाई कर। क्या तुम जन्म दिए हो, तुम कर्म दिए हो? मौर्या में कहावत है, हमारा जब हमारा बहन वगैरह शादी होते है, लड़की का शादी होते है ना, तो उनका वो रुती है, वो कभी कभी वापस आती है ना, तो बोलती है मां जी को, पता है ना पति ऐसा है, सास ऐसा है, ससुर ऐसा है, तो पिताजी बोलते हैं, मां जी बोलती है, मैं तो जन्म दिया था, क्या कर्म दिया था तुमको? देखो लोग कितना सुंदर बोलते थे, हम लोग इतना
नहीं सोचते, अरे तुम्हारा बाल बच्चा हो सकता है, उनका कर्म अलग है ना, तुम इतना क्यों चिंता में हो, त्यक्त समस्त कर्म, तुम तुम्हारा कर्म करो, भगवान उनका जिम्मेदार ले। अभी मुंबई में और दिल्ली में सिटी में कितना कमरा है खाली है, पिताजी ने कमाई करके मेरा लड़का के लिए फ्लैट बनाऊंगा, अभी वो फ्लैट खाली है और लड़का अमेरिका में है। तुम जिंदगी भर लड़का लड़का होकर जो कमाई किया होता ना, अभी क्या हो गया, कबूतर उधर रहता है। ऐसी पूरी चिंता किसकी रही, किसका चिंता मत करो, तुम्हारा कर्म तुम करो, तुम इतना क्यों चिंता करो, तुम भगवान हो गया, सबको जन्म दिया हो गया, मेरा लड़का है, मेरा ये है। उड़िया में एक कहावत है, उड़िया इतना सुंदर सुंदर कहावत है, तुम्हारा लड़का अगर अच्छा लड़का है ना, क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता करते हो, कोई पैसा नहीं रखना चाहिए, अच्छा लड़का है तो कोई पैसा नहीं रखना चाहिए, और लड़का अगर बुरा है तो कोई पैसा नहीं रखना चाहिए। समझ रहे ना, अच्छा लड़का है वो आपका पैसा को नहीं लेंगे, वो बोलेंगे पिताजी आप रख लीजिए, मैं तो अमेरिका जाता हूँ, बस उधर ही पैसा कमाऊंगा, डॉलर मिलता है उधर, ये यूके में डॉलर मिलता है, वो क्या पाउंड्स मिलता है, ये क्या जरूरत है, इंडियन मनी है। अच्छा लड़का है ना, कोई उनके लिए पैसा रखना का जरूरत नहीं, और बुरा लड़का है ना, उनके लिए भी कोई क्योंकि उसे रखेंगे ना, आप जितना रखे आपका सामने वो सब नष्ट करेगा। खुद का चिंता करो, और उनके लिए जितना शहर है उनको दे दो, पढ़ाई करिए बस, नौकरी करो, भाई तुम चलो विदेश में ही, अच्छा मुझे विदेश का कितना प्रिंसिपल अच्छा लगता है, वो 18 ईयर हो जाते हैं ना, 18 साल के हो जाते हैं, लड़का खुद घर से निकल जाता है। मैं कितना डिवोटी को बोलता हूँ, वेयर यू आर स्टेइंग, वो डिवोटी है, वेयर यू आर स्टेइंग, वो आई एम स्टेइंग माई फादर्स हाउस। मैं पहली बार जब सुना, मैं बोला व्हाई वी आर सेइंग फादर्स हाउस, ये सही है, वो कभी नहीं बोलते मेरे पिताजी का घर, नहीं बोलते हमारा घर है, हम मरने तक बोलते हैं कि मैं घर में हूँ, लेकिन वो 18 साल का बाद क्या बोलते हैं, मैं पिताजी का घर में रह रहा हूँ। वो कभी नहीं बोलते हमारा घर है, ये ऑफेंस मानते हैं वो लोग, मेरा 18 साल हो गया है ना, अभी मैं कमाई करूँगा, मैं जीऊँगा, पिताजी का ऊपर बर्डन नहीं। अभी हमारा इंडिया में क्या, पिताजी लड़की का शादी कर देते, पोता हो जाता, क्या कर रही हो, अच्छे हो ना, अरे तुम क्या करेंगे, अभी सोचो तुम्हारा भजन का टाइम है, लड़का लड़की उन कभी चैन लग जाता है, पूरा चैन पुरली जैसा लग जाता है, कितना चिंता। विदेशी में ऐसा नहीं, विदेश में अच्छा है वो इन सब, हमारा एक देखो हमारा जिम्मेदारी है, एक सीमा तक है। आपको देखा है कबूतर क्या उसको घोंसले जहाँ बनाते हैं, कहाँ भी चिड़िया घोंसले बनाते हैं ना, और वो छोटे छोटे चिड़िया आ जाते हैं, उनको खाने पीने का सिखाना, फाइटिंग कैसा करना है, युद्ध कैसा करना है, दूसरे से जीने के लिए सब सिखा देते हैं, और पंख बड़ा हो जाता है और क्या करते हैं, तो उड़ने लगते हैं वो लोग, उसका बाद क्या करते हैं, वो माँ जो है ना घोंसले को नहीं रखता है। देखो पिता माता दोनों जो चिड़िया है ना घोंसले को नहीं रखते हैं, वो पाँव में फेंक देते हैं नीचे, क्यों फेंकते हैं, मैं कई बार देखा हूँ, गाय चराने के लिए जाता हूँ ना तब देखता हूँ, हमारे पास गाय है, हम गाय चरने के लिए मैं जाता हूँ, बहुत खुश लगता है, कृष्ण का बात याद आता है, संसार में जितना मैं जितना सेवा है ना, सबसे मुझे अच्छा लगता है गाय चराना, ये टेंशन फ्री काम है। पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं, माला करो हरे कृष्ण, इसलिए कृष्ण सुखी थे, इधर का मथुरा में गए ना पढ़ाई करना पड़ा, गोमपुर में कुछ नहीं, बस गाय चरा के आते थे, रासलीला करते थे, खाना पीना चलता था, नहाता था, अच्छा है, इतना क्या भागवत पढ़ना है, ये बहुत बड़ा टेंशन है, प्रवचन देना है, गाय चरण तो अच्छा है, तो जो गाय चरण जाता हूँ बड़े बड़े पेड़ का नीचे में देखता हूँ घोंसला नीचे पड़ जाता है, तब स्टडी करता हूँ क्यों घोंसला पड़ जाता है। मैं एक बार देखा है कि एक चिड़िया था, वो पाँव में घोंसला को फेंक रहा था, इसको उनका जो छोटा चिड़िया है ना बड़ा हो गया है ना, वो सोचते हैं ये मेरा जो बच्चे है ना वो आसक्त होकर फिर ये घोंसले पर आ जाएंगे, वो खुद ही घोंसले बनाना चाहिए, मेरा घोंसले में क्यों रहेंगे, हम तो पीछे पढ़ते हैं क्या आत्मसमर्पण, क्या भजन, इतना चिंता लग जाता है, नहीं भगवान है ना, नित्य रवित कर्म नहीं छोड़ते हैं, कब क्यों छोड़ते हैं, जादृच्छिक मात कृपा,
साधु लोग जब कृपा कर देते हैं ना तब ये जिम्मेदारी छोड़कर भगवान को, प्रभु जी आप चलाइए, मैं अभी तो साधु का पास सेवा करूँगा। अब देखो आप सोचेंगे तो जिम्मेदारी नहीं हुआ, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान का जिम्मेदारी ले रहे हैं, उनका बाल बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो थमांग प्रपद्यते तंस तथी वो भुजा में, आप जैसे भगवान का सेवा कर रहे हैं भगवान ऐसे आपका बाल बच्चा का देखभाल करेगा। अभी क्या दो हमारा अभी क्या दो नुकसान हो रहा है, ना भगवान का सेवा हो रहा है ना तो बाल बच्चा का जो भाग्य है हम कितना अरेंजमेंट करने से बदलता है। अगर भगवान का सेवा हम लग जाते हैं ना तो कम से कम ठाकुर जी की दया से उनका भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए वो ही बोल रहे हैं मर्त्या जदत त्यक्त समस्त कर्म निवेदित आत्मा विचिकित्व में तदा मृतत्व प्रतिपद्य मान, तब तो अमृतत्व में देता हूं। और निवेदित आत्मा इसमें चक्रवर्त लिखे हैं मत स्वरूप भूताय मंत्रोपदेशाय गुरवे, जो गुरु जी मंत्रोपदेश दिए हैं जो आत्मा है ना उनका शरणागत आत्मा, उनका चरण कमल में तुम चले जाओ, उनका माध्यम से तुम सब कर्म त्याग करो। और इसमें एक भाव लिखे हैं, एक श्लोक लिखे हैं, वचन में क्या कहे वो कहते हैं जो हम ममास्ति जत किंचित इह लोके परत्र च तत सर्वं भवतो नाथ चरणेषु समर्पितम्। उस शरणागत में क्या बोलते हैं ठाकुर जी, जो अहम मम अस्ति जत किंचित, मेरा पास जो जत किंचित जो भी जत किंचित शक्ति है यह लोक के परत्र च इस लोक के लिए और दूसरा लोक के लिए तत सर्वम भवतो नाथ, ये नाथ ये सब आपका चरणेषु समर्पितम्, मैं आपका चरण कमल में समर्पित करता हूं। कौन सिखाएंगे? निवेदित आत्मा। इसलिए शरण आप मंदिर में क्यों आ रहे हैं? ज्ञान के लिए नहीं, प्रवचन देने वाले बहुत है। मैं इंडिया में बोलता हूँ, विदेश जब जाता हूँ विदेशी लोग को बोलता हूँ, इंडिया में डॉक्टर सब डॉक्टर है और सब प्रवचक है। इंडिया में इंडिया ऐसा है ना, भारतवर्ष ऐसा है, किसको भी पूछ लीजिए वो दवाई बता देगा, सब डॉक्टर है। आप किसको बोल दिए सर ऐसा, आप ऐसा ले लीजिए, सब डॉक्टर है और सब गुरु है, सब प्रवचक है। किसको माइक्रोफोन दे दीजिए, उस शराबी को भी दे दीजिए वो बोल देगा जगन्नाथ ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सब प्रवचक है और सब डॉक्टर है। ये भारतवर्ष का दोष है नहीं, ये हमारा स्पिरिट है कि भगवान हमारे देश का है ना, ये हमारा धर्म है, लेकिन बदल गए हम। ये हम मंदिर क्यों आ रहे हैं? कोई ज्ञानी बनने के लिए नहीं, कोई वैराग्य बनने के लिए नहीं, हम आ रहे हैं एक चीज सीखने के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जिसको सब मानते हैं। कोई धर्म के लोग इसको मानते कि नहीं? हमारा हिंदू में जितना संप्रदाय के लोग है वो गीता पढ़ते कि नहीं? ठीक है, तो माम एकम शरणम व्रज, कोई कृष्ण का शरण में जाओ। चलो हम देखें कौन सा इंस्टीट्यूशन में इसको टीचिंग दे रहे हैं, हम सिखा रहे हैं भगवान की शरण में जाना, इसलिए हम मंदिर आ रहे हैं, इसलिए गुरु का जरूरत है। कैसे शरण जाना? ज्ञान के लिए नहीं, वैराग्य के लिए। कितना बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं प्रवचन दे रहे हैं, जगत का क्या उपकार हो रहा है, कितना लोग का दुख जा रहा है, दुख जीव का कभी नहीं जा रहा है। अगर वो शरणागत नहीं होते ठाकुर जी का पास, भगवान आनंदमय है, उनका कृपा दृष्टि आ जाएगा ना। वो मंदिर गए थे काला, कलराम मंदिर, उनका हिस्ट्री प्रभु जी बता रहे थे, कितना सुंदर मंदिर है, कितना पुराने मंदिर, सब राजा लोग सब कुछ देकर, एक एक आदमी सब कुछ देकर, क्या माता जी ने क्या दे दिया? हाँ, नोज रिंग, उसको नाक चुनी बोलते हैं, नाक चुनी बोलते हैं, उसको भी दे दी। साखी गोपाल देखें पूरी में, जो साखी गोपाल है हमारा उड़ीसा में, कितना प्रेमिक थे राजा लोग, हमारे रानी जो थे वो साखी गोपाल लोग देखने लगे, आप कितना सुंदर है, मेरा इच्छा हो रहा है कि मेरा जो नाक चुनी है ना आपका नाक में लगाऊंगा, लेकिन आप तो ठाकुर है ना, आप तो आपका नाक में छिद्र नहीं है। रात में ठाकुर जी बोल रहे हैं आपको पता है मेरा नाक में छिद्र है, जसोदा माया ना, मैं जब छोटा था मेरा नाक में छिद्र किया था, अभी है, तुम आ जाओ। तो सुबह गया तो पुजारी देखने लगे, पुजारी को बोले देखो नाक, ठाकुर जी का नाक में छिद्र है, मुझे मेरा नाक चुन तुम पहनाओ। बोले तुम पागल हो क्या? रानी को बोलने लगे,
ठाकुर जी तो पत्थर में है, उसका उसका छिद्र नहीं है, तो मैं तो कितना जन्म कितना वर्ष से मैं सेवा कर रहा हूँ, तो देखो ना सचमुच एक छिद्र हो गया था। इतना प्रेमिक थे राजा लोग, ये मंदिर को देखने से मेरा यही याद आता था, कई जवान का कितना पुराने मंदिर कितना प्रेम से वो लोग करते थे, इस शरणागत आत्मा थे हम, इसीलिए भक्त बने, दैन्य हो आत्मसमर्पण हो, ऐसे हम कैसे बन सके भगवान की हो सके। ठीक है आप लोग, इसलिए मेरा ये अनुरोध है आप लोग मंदिर आइए, प्रभुपद का ग्रंथ पढ़िए, और प्रभु जी लोग सब है उनको मदद कीजिए, सेवा का भार लीजिए, आपको कृपा मिले। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाल जी महाराज की जय, मदन गोपाल की जय, हरे कृष्ण। श्रीपाद भक्ति देव श्रीपाद हरदर स्वामी महाराज की जय।